रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट करने के बाद हम लोग इस काबिल हो जाएंगे कि हम लोग पास पेपर्स कर सकें। पास पेपर देख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, ये हमारे पास पेपर से, इनके इसमें कुछ सवाल कंपाउंड के भी हैं, कुछ सिंपल इंटरेस्ट के भी हैं, कुछ एन्यूटी के भी हैं। तो हम लोग कम से कम ऐसे ऐसे इस काबिल हो जाएंगे हम कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क कर सकें। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पास पेपर करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कट चुके हैं, अब हम बारी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। वो आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, ये भी थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो उसको करने के बाद, क्योंकि इसमें हम लोग एक चीज़ निकालना सीखेंगे। जब पहले बात करते हैं फॉर्मूले की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कि एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i/n। इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ें हैं क्या क्या? एस, एस मतलब फ्यूचर वैल्यू, एस मतलब फ्यूचर अमाउंट, एस मतलब सम ऑफ मनी। अगर ये तीनों नाम अगर बोले कि फाइंड करना है, तो मीन्स आपसे क्या मालूम करवाना चाह रहा है? आपसे वो एस मालूम करवाना चाह रहा है। आपको बोले प्रेजेंट वैल्यू, आपको बोले प्रिंसिपल वैल्यू, तो क्या मतलब इसका? पी मालूम करवाना चाह रहा है। आई बोले तो इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट निकालने को नहीं कहा उसने, इसने कहा इंटरेस्ट रेट निकाल के। इंटरेस्ट रेट अलग होता है, इंटरेस्ट अलग होता है, ठीक है। उस अगर वो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट निकालवाना चाहेगा, तो वो आपसे वो बोलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब खाली मैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखूँ, तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था कि आई इज इक्वल्स टू एस, सॉरी हम लोगों ने जब उसमें निकालना सीखा था सिंपल इंटरेस्ट में, तो हम लोगों ने सीखा था कि यार यहाँ अब जब भी हम निकालेंगे एस इज इक्वल्स टू पी प्लस आई निकालना सीखा था। अगर वो मुझसे बोले कि आपको वहाँ तो देखो फॉर्मूला आई का दिया हुआ, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ आई का, तो खुद से मैं बनाना है। तो यहाँ पहले अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना चाह रहे हैं, तो अब क्या करो, हमारे पास आई मालूम करवाना चाह रहे हैं, तो पी जो है प्लस में हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे। तो आई इज इक्वल्स टू एस माइनस पी। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू में से, अगर मैं फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू माइनस कर दूँ, मुझे क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा। दैट्स कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट्स कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से निकलेगा। उसके अलावा एन क्या है मेरे पास? एन का मतलब है नंबर ऑफ पेमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ टाइम या ईयर, कुछ भी कह सकते हैं इसको हम लोग, कि कितने अरसे के अंदर कितने टाइम में, जो भी टाइम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यार, वहाँ टी था तो यहाँ पे क्या हो गया, एन हो गया। अच्छा, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो मे बी चांस है कि आपके पास इंटरेस्ट का जो रेट दिया हुआ हो वो एनुअली, नॉर्मली क्या होता है रेट, नॉर्मली क्या होगा, एनुअली रेट दिया होगा। इसको बाहर का गेट कर लेते हैं कि आपके पास क्या दिया होगा, यहाँ पे रेट है, ये आपके पास क्या है, एन, ठीक है। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, और ये इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये मेरे पास एक रेट है और यहाँ मेरे पास क्या है, टाइम है। रेट को किससे डिनोट करते हैं यहाँ पे हम लोग, आई से, और टाइम को डिनोट करते हैं हम लोग एन से, स्मॉल एन से। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको रेट दिया हुआ है, आपको रेट दिया हुआ है किसके अंदर, एनुअली, आपको अगर रेट दिया हुआ है किसके अंदर, एनुअली के अंदर, एनुअली दिया हुआ मीन सालाना रेट है, तो आप क्या करोगे, आई को सिंपल रहने दोगे, किसी भी चीज से डिवाइड नहीं करोगे, वन से डिवाइड करने का फायदा नहीं होता, तो क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे। और टाइम भी क्या होगा, सेम टू सेम ऐसा कैसा आ जाएगा वापस आपके पास, क्योंकि एन को भी मल्टीप्लाई करोगे वन से, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है वन, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट एन और आई जो दिया हुआ वो सवाल में वो यूज कर लेंगे। पहली बात तो ये हो गई। सेकेंड चीज, अगर आपको रेट दिया हुआ है किसमें, सेमी एन्युअली, सेमी एन्युअली बोले, हाफ ईयरली बोले, हाफ ईयरली बोले, बात सेम है, या टू टाइम्स इन ईयर बोले, बात सेम। तो मीन्स आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो इंटरेस्ट है उसको आप डिवाइड किससे करोगे, टू से डिवाइड करोगे। मीन्स आपका जो इंटरेस्ट रेट है, देखो इंटरेस्ट रेट हमेशा किसमें होगा, एनुअली में दिया होता है। अगर ये साल में दो दफा मिल रहा है, तो क्या करो, इसी इंटरेस्ट रेट को दो दफा तोड़ो,
जैसे अगर 10% अगर साल में एक दफा मिला, दो दफा मिलेगा, कितना हो जाएगा ये? 5%। तो क्या करना है मुझे, आई को डिवाइड करना है 2 के साथ, और जो मेरा एन है अगर साल में दो दफा मिल रहा है मुझे, तो एन तो मेरे पास एक साल के हिसाब से लिखा हुआ होगा, तो क्या करूँगा, एक साल में कितना दफा मिलेगा, दो दफा मिलेगा, तो क्या करोगे इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जो भी आपका एन होगा उसको आप 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, अगर लिखा हुआ सवाल में सेमी एनुअली या हाफ ईयरली। आफ्टरवर्ड्स अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता है मेरे पास मंथली, तो मंथली मतलब क्या, साल में 12 दफा, तो आप क्या करोगे, आई को डिवाइड करोगे 12 से और एन को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखा होता है हमारे पास वीकली, पहले वीकली से पहले क्वार्टरली करते हैं, अगर यहाँ पर लिखा होता है क्या चीज, क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब क्या, साल में 4 दफा, तो अब क्या करोगे, आई को डिवाइड करोगे 4 से और एन को मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। इसी तरीके से अगर आपके पास रेट देता है वो किसमें, वीकली के अंदर, वीकली मतलब कितने वीक होते हैं हमारे पास, 52 वीक होंगे, तो आई को डिवाइड करोगे 52 से और एन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 52 से। तो जब भी इस टाइप के रेट दिए होंगे हम लोग क्या करना है, यही करना है कि आई को डिवाइड कर दो, जो भी अमाउंट दिया मतलब जिस तरीके का बोला हुआ है कि सेमिनली मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, हाफ ईयरली मिलेगा, जो भी, और टाइम को भी कर दो उस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में डाल दें। ये छोटी सी बेसिक चीज थी। अब अगर सवाल करना स्टार्ट करते हैं, अब सवाल में लिखा हुआ है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि पी इज इक्वल्स टू 1000, आई इज इक्वल्स टू 10% एंड एन इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स। मुझसे मालूम क्या करवा रहा है, मुझसे बोल रहा है कि आप क्या करो, आप एस मालूम करके बताओ। एस मतलब क्या बोल रहा है, वो आपको अमाउंट मालूम करने का बोल रहा है, अमाउंट मालूम करने का बोला कि अमाउंट बताओ कितना है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे कि एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस i पावर n, एस इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ कुछ नहीं बोला हो तो मतलब ये रेट कौन सा है, पर एनम वाला रेट है। तो पी कितना है मेरे पास, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रेट कितना है मेरे पास, 10%, किसी चीज को डिवाइड नहीं करेंगे, और एन कितना है मेरे पास, 5 ईयर्स, फिर को भी किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर लो उसको। या पेपर में कर रहे हैं तो थोड़ा सा लंबी करनी है ताकि कॉपी भरे हमारी, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10% करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.1.1 पावर 5, तो 1.1 पावर 5 करते हैं, तो ये आंसर आ रहा है मेरे पास कोई 1000 × 1.6101 ये पावर लगाने के बाद, और इसको 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 1610 रुपये अशारिया 51। ये मैं बस क्या निकल गई, ये मेरे पास निकल गया फ्यूचर वैल्यू, अमाउंट, सम ऑफ मनी, जो भी चीज़ इसने मालूम करने का बोला। तो बात क्लियर है मेरी? अब एक सवाल सेकंड देखते हैं, थोड़ा सा हार्ड करते जाएंगे ताकि पास पेपर भी हम करने के काबिल हो जाए। आपको क्या दिया हुआ होगा इसके अंदर, आपको एक रेट दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है इसने क्या चीज, एस, एस दिया हुआ है इसने 3891। आपसे बोल रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है आई जो है वो है आपके पास 20%, लेकिन सेमी एनुअली, ठीक है, और आपके पास जो एन है आपके पास वो है कोई 5 साल। तो बताओ कि ये हम अगर 3,881 अगर हम अर्न करेंगे 5 सालों के अंदर 20% सेमी एनुअली के हिसाब से, तो बताओ हमने आज की डेट पे क्या पैसा पे किया होगा। मीन सबसे क्या मालूम करवाना चाह रहा है आपसे, वो पी मालूम करवाना चाह रहा है कि पी कितना है आपके पास, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है। या अगर बोले कि बताओ कि सिम कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अर्न करोगे, अगर आपने ये जमा पैसे एंड में मिलता है, इतने परसेंट पर आप जमा करवा रहे हो इतने सालों के अंदर, तो बताओ कि हम आज कौन कितना अमाउंट जमा करवाते हैं कि हमें दोनों का डिफरेंस लेते तो इतना अमाउंट मिलता है, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट भी मालूम करने का बोल सकता है आपसे वो। पहले हम क्या करते हैं, पहले पी निकालते हैं, क्योंकि पी निकाले बगैर ये हो नहीं सकता कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस i पावर n, एस कितना है मेरे पास, 3891 इज इक्वल्स टू, पी पता नहीं है मुझे तो सेम टू सेम रखेंगे,
1 + i कितना है मेरे पास, 20%। तो इसको 0.2 बोल सकते हैं कि 20% को डिवाइड करोगे 100 से तो ये आंसर आएगा 0.2। तो 2 0.2 डिवाइडेड बाय कितने करते हैं इसको हम लोग, सेमिनली मतलब साल में 2 दफ़ा मिलेगा, तो मीन 2 से डिवाइड कर देते हैं। और टाइम कितना है मेरे पास, 5 साल। और इसको 2 से क्या करना है, यहाँ जो चीज़ डिवाइड हो रही है वो चीज़ क्या मल्टीप्लाई में भी आएगी कि साल में 2 दफ़ा मिल रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 3891 इज इक्वल्स टू पी सेम टू सेम। हमने क्या किया, 0.2 डिवाइडेड बाय 2 किया, ये आया मेरे पास 0.1, प्लस किया मैंने 1 के साथ, तो ये हो गया मेरे पास 1.1। पावर कितनी, 2 5 10, तो लगा लेते हैं पावर 10 भी, पावर 10 किया, तो ये मेरे पास बना कोई 3891 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लीकेशन में 2.5937। चार फिगर लिख लो पॉइंट के बाद, मसला नहीं है कोई। अब ये अमाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इसके साथ। तो 3891 डिवाइडेड बाय 2.5939 इज इक्वल टू, तो 3891 डिवाइडेड बाय 2.5397, तो ये आ गया मेरे पास, ये पी निकालना है मुझे, तो पी आ गया मेरे पास कोई 1500 से। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, पी फाइंड कर सकते हैं। डन यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। थ्री में क्या बोलता है,